देवघर जाएंगे तो हमारी पूरी फैमिली है और हम लोग फुल एंजॉय करेंगे। तो अभी हम लोग ऑन द वे हो रहे हैं, गाड़ी में सारा सामान रखा गया है और मेरी फैमिली और मेरी देवरानी की फैमिली दोनों जने जा रहे हैं और गाड़ी में फाइनली सारा सामान रखा चुका है, सब कोई रेडी है। और यहाँ पे देखिए ये लड़का है, फाइनली गाड़ी में ज़बरदस्त हो रहे हैं।
ऑलमोस्ट हम लोग अपना आधा रास्ता कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग घर से खाना लेके आए थे, हम लोग को जगह नहीं मिला था, तो एक हम लोग ढाबा पे रुक के लंच कर रहे थे और हम लोग को चाय पीने का मन था। गाइस सुबह से चाय एक बार ही पिए हुए हैं घर से और काफ़ी दूर है, तो इसलिए हम लोग कहीं पे स्टे ज़्यादा नहीं कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे खाने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे एक अच्छी सी चाय पियेंगे। तो यहाँ पे खाने का वेट हो रहा है, यहाँ पे सब कोई खा लिया, हम लोग की चाय भी यहाँ पे आ चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी लोग चाय पी रही है और इधर सब कोई बैठे हुए हैं। यहाँ फाइनली गाइस यहाँ पे चाय पानी हो चुका है, खाना पीना खा लिया, हम लोग फिर से गाड़ी पे बैठेंगे और निकलेंगे देवघर के लिए। यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं और अब रास्ता काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फिर से गाड़ी पे एडजस्ट हो रहे हैं और उसके बाद यहाँ से बहुत सुंदर फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं देवघर और हम लोग होटल वगैरह ले लिए थे। उसके बाद जो है फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए निकले थे, जैसे कि फुचका वगैरह यहाँ का बहुत काफ़ी अच्छा रहता है, तो हम लोग का एक फिक्स दुकान है, मगर उससे पहले सबका डिमांड था कि चाट वगैरह खा लेते हैं, तो यहाँ पे बिना प्याज लहसुन के चाट बहुत टेस्टी बनाता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम लोग सब कोई इंजॉय कर रहे हैं चाट पापड़ी, ये सब काफ़ी अच्छा अच्छा। फाइनली गाइस हम लोग पहले इसमें रुका करते थे शिवा आश्रम में, आज पर हम लोग कुछ अलग जगह पे, अभी हम लोग चाट खा के आए और अपना फेवरेट गोलगप्पा खाने के लिए हम लोग आए हैं। ये हम लोग का फिक्स गोलगप्पे की दुकान है, हम लोग जब भी देवघर आते हैं तो इन जितने दिन देवघर में रहते हैं उतने दिन इनका गोलगप्पा ज़रूर खाते हैं। इनका मीठा गोलगप्पा और पानी वाला गोलगप्पा दोनों काफ़ी टेस्टी है और खाने के बाद अब हम लोग गोलगप्पा खा के चले आए हैं। अब हम लोग जाते हैं, आराम करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद वीडियो एडिटिंग करेंगे, मोबाइल को लगाएंगे चार्ज में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे बाय बाय तो कर दिया, मगर ना बच्चे सोने दे रहे थे ना वीडियो एडिटिंग करने दे रहे थे, यहाँ पे हम लोग की भी गप सप चल रही थी और बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे थे। उसके बाद हम लोग ने हल्का फुल्का डिनर किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया था। तो ये ब्लॉग यहीं तक का है, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और भी अच्छा